ओम शांति। हम मनोबल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपने जीवन को शक्तिशाली रूप से सामना करने की बात कर रहे हैं। और इसी के लिए और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है अपने आप से पूछना, मैंने अपने हृदय में, अपने दिल में क्या संभाल के रखा है कई सालों से। अगर चेक करेंगे तो क्या दिखाई देगा? कई बार किसी के प्रति बहुत सारा गुस्सा, किसी के गलत व्यवहार के कारण कटुता, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए नाराजगी, और ये सारी बातें दिल में भर के रखी है, समा कर रखी हैं। और इन सब बातों के लिए इतना अपने आप पर एक विश्वास है कि मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगी। अगर ब्रह्म देव भी नीचे उतर आ जाए तो भी मैं इस व्यक्ति को माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने किया ही ऐसे हैं। जो इस व्यक्ति को मैं माफ़ी नहीं कर सकती हूँ, और मैंने अपने मन में उनके लिए गुस्सा कटुता भर के रखे, और उसका परिणाम आज भी क्या हो रहा है। वो घटना शायद 20 साल पहले हो गई थी, 20 साल पहले मुझे किसी ने बोला था, सबके सामने इंसल्ट की थी। हो सकता है 10 साल पहले किसी ने मेरे साथ कटुतापूर्ण व्यवहार किया, धोखा दिया, बात बीत चुकी, शायद वो व्यक्ति भी दूर चले गए, साल भी बीत गए, लेकिन आज भी 20 सालों से हम उसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते करते आज हम 2019 तक हम उसी बात को याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट, उसकी जो कटुता है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी, आज वो सारी मेरे ब्रेन में, मेरी बॉडी में भर गई है, शरीर में भर गई है। जितना उस घटना से नुकसान नहीं हुआ, जितना उस समय नुकसान नहीं हुआ, उतना नुकसान 20 साल से मेरे शरीर पर हो रहा है, मेरे मन पे हो रहा है, मेरे जीवन पर हो रहा है। और एक बात, दूसरे के प्रति कटुता रखने से वो दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ेगी या कम होगी? मैं अपने ही जीवन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही हूँ। हम अपने ही जीवन में बार बार उस कटुता को सोच सोच कर हम इसी टाइप के लोगों को, रिश्तों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, उस टाइप की परिस्थितियों को इनवाइट कर रहे हैं। चलो, क्या आपको इसी कटुता की जर्नी पर रहना है, या फिर जिनके साथ कुछ आपने कटुता मन में बना के रखी है, जिनके लिए बना के रखी है, उन लोगों को आपको दोस्त बनाना है। कटुता रखकर दुश्मनी बढ़ाना चाहते हो, या दुश्मनों को शुभ भावना रखकर दोस्त बनाना चाहते हो, जिससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी? और इसी के लिए चलो ना, हम अपने मन को साफ करते हैं, हम अपने मन को स्वच्छ करते हैं। और ये जो बार बार मन में है कि उन्होंने किया ही मेरे साथ ऐसा जिस कारण मैं भूल ही नहीं सकती, इस बात को मिटा देते हैं। अगर मुझे मेंटली फिट रहना है, इमोशनली फिट रहना है, अगर मुझे फिजिकली भी फिट रहना है, तो ज़रूरत है अपने मन की कटुता को नष्ट करो। क्योंकि जब तक मन नफ़रतों से, गुस्से से, नाराज़गी से भरा हुआ होगा, तब तक
दिल का द्वार बंद होगा, दिल का प्यार का द्वार बंद होगा। और इसीलिए चलो इस दिल के दरवाजे को हम खोल देते हैं और अपने आप को कटुता, नफरत, नाराज़गी, इसकी कैद से आज हम अपने आप को मुक्त कर देते हैं। बड़ी दिल बनकर, विशाल दिल बनकर, रहम दिल बनकर उस व्यक्ति को माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं, माफ़ करते हैं और भूल जाते हैं। यही सोचकर मेरे साथ जो कुछ हुआ, दैट वॉज माई कर्मिक अकाउंट, इट इज सेटल्ड। किसी का भी इसमें दोष नहीं है। आज से मैं उस रिश्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ सोचूंगी, इनका भला हो, इनका सब कुछ अच्छा हो, ये अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, इनका और मेरा रिश्ता स्नेह का है, हम अपने दिल के दरवाजे को खोल दें, इसको प्यार से भर दें, इससे चारों ओर प्यार की गंगा बहने दें और फिर देखो जीवन में किस टाइप के घटनाएं, किस टाइप के प्रसंग आना शुरू हो जाएंगे। जीवन खुशियों से भर जाएगा, प्यार से भर जाएगा, स्वास्थ्य अपने आप आता जाएगा, बीमारियां दूर होती जाएंगी। और इसी के लिए मुझे आज अपने आप को इस कैद से, इस पिंजरे से अपने आप को मुक्त कर कर एक उड़ता पंछी बनना है, जो पंछी जानता है अपकारी पर उपकार करना, दुश्मन को दोस्त बनाना, अशुभ करने वालों के लिए भी शुभ सोचना, नफरतों की दीवार को मिटा देना और प्यार से सोचना, रिस्पेक्ट से सोचना, प्यार से बोलना, सम्मान पूर्वक बोलना और मन को सदा सदा सिर्फ शुभ भावनाओं से भरपूर रखना, सदा सभी के लिए अच्छा सोचते सोचते मेरा खुद का अच्छा अपने आप हो जाएगा, सदा दूसरों के लिए खुशियों के संकल्प करने से मेरे जीवन में खुशियां अपने आप दस्तक दे देगी। तो आज हम अपने आप को बस महसूस करें, मैं इससे फ्री हूँ, मैं कटुता से मुक्त हूँ और मेरा हृदय प्यार से भरपूर है। चलो कुछ पलों के लिए हम इसके लिए मेडिटेशन करते हैं। रिलैक्स होके बैठ जाइए और अपने आप को बहुत सुंदर संकल्प दें। मैंने आज तक अपने आप को नफरत, नाराजगी और क्रोध के पिंजरे में बंद कर दिया था। और मेरे दिल के दरवाजे मैंने बंद कर दिए थे प्यार के लिए, क्षमा के लिए, भूल जाने के लिए। आज से मैं रहम दिल बनकर, विशाल दिल बनकर अपने दिल के दरवाजों को खोल देती हूँ और अपने आप को मुक्त करती हूँ नफरत से, मैं आज से सबको माफ़ कर
करती हूँ, माफ़ करती हूँ, सच्चे हृदय से माफ़ करती हूँ। जो भी हुआ वो हमारा एक कर्मिक अकाउंट था, दैट वॉज एक्यूरेट ड्रामा। आज से मेरा और उस रिश्ते का संबंध बहुत स्नेह वाला है। शुभ भावना वाला है। आज से मैं सबके लिए सिर्फ शुभ सोचती हूँ, सिर्फ शुभ सोचती हूँ और अपने आप को फ्री कर देती हूँ। ओम शांति।